हेलो एवरीवन, एक लैंग्वेज मेरे पास गिवन है और मुझे इसके लिए एक डीएफए बनाना है। सो इस लैंग्वेज का ये मुझे पता है कि जो अल्फाबेट सेट है वो ए बी है। इसका मतलब है कि जो भी स्ट्रिंग मेरी बनेगी वो ए बी से बनेगी, और जो स्ट्रिंग मेरी बनेगी उसमें नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी का जो सम है वो ऑड होना चाहिए। सो इसका क्या मीनिंग है कि अगर एक ए है तो दो बी होना चाहिए, तो टोटल मिला के ये थ्री हो जाएगा। अगर दो ए है तो एक बी होना चाहिए, इससे थ्री हो जाएगा। सो थ्री इज ऑड। इसका मतलब क्या है कि अगर बी इवन है तो ए ऑड होना चाहिए, और अगर ए के नंबर्स इवन है तो बी हमारा ऑड होना चाहिए, बी के नंबर्स ऑड होने चाहिए। सो इसका मतलब क्या है कि हम इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो ए इवन्स है और बी ऑड है, या तो ए ऑड है और बी इवन है। ये हम काउंटिंग की बात कर रहे हैं। सो आइए हम एक काम करते हैं कि एक ऐसा डीएफए बनाते हैं जिसमें केवल ए की बात कही जाए और ए की हम काउंटिंग कर लेते हैं। ऐसा हमने पहले भी बनाया है ऑटोमेटा में। मान लेते हैं कि ये मेरे पास ऑटोमेटा है, ये इनिशियल स्टेट है, और जैसे हमें ए मिलता है हम आगे चले जाते हैं, फिर यहाँ पे ए मिलता है तो हम यहाँ आ जाते हैं। और इस केस में मान सकते हैं कि ये फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट ये बता रहा है कि 0 ए एक्सेप्ट होंगे, 2 ए एक्सेप्ट होंगे, 4 ए एक्सेप्ट होंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसका मतलब है कि ये इवन ए को एक्सेप्ट करेगा, और अगर 1 ए आएगा तो रिजेक्ट कर देगा, 3 ए आएगा तो रिजेक्ट कर देगा, 5 ए आएगा तो रिजेक्ट करेगा। इसका मतलब है कि जो रिजेक्शन हो रहा है वो ऑड के केस में हो रहा है। तो हम मान सकते हैं कि ये जो स्टेट है वो स्टेट नंबर 1 है, और लेट्स से ये स्टेट नंबर 2 है, और जो स्टेट नंबर 1 है वो हमें बता रहा है इवन नंबर ऑफ एज, और स्टेट नंबर 2 जो है वो बता रहा है हमें ऑड नंबर ऑफ एज। सिमिलरली हम एक ऑटोमेटा बना सकते हैं जो कि काउंटिंग करे 20 की। लेट्स से मैंने एक ऑटोमेटा बनाया और इसमें हम बी की काउंटिंग कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ये जो स्टेट है वो फाइनल स्टेट है, और उसमें एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट हो जाएगा, 2 बी भी एक्सेप्ट हो जाएंगे, 4 बी भी एक्सेप्ट हो जाएंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इवन नंबर ऑफ बीज एक्सेप्ट हो जाएंगे, और ऑड नंबर ऑफ जो बीज होंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे, 1, 3, 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ, दीज विल गेट रिजेक्टेड। तो मान लेते हैं कि जो स्टेट है वो 3 नंबर स्टेट है और ये 4 नंबर स्टेट है। तो हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी कि हम क्रॉस प्रोडक्ट अगर कर दें तो इससे मुझे एक ऑटोमेटा जो मिलेगा वो ऑटोमेटा मेरे लिए काम का है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे स्टेट्स हैं 1, 2, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं विद द स्टेट्स 3, 4। तो इससे जो हमें स्टेट्स मिलेंगे वो मिलेंगे 1, 3, एक स्टेट मिलेगा 1, 4, एक स्टेट मिलेगा 2, 3, और एक स्टेट मिलेगा 2, 4। तो हमें काम करते हैं, इसका ऑटोमेटा बनाते हैं जिसमें कि तीन चार स्टेट्स हैं। तो 1, 3 स्टेट इसको बना लेते हैं, और इसके बाद 2, 3 स्टेट इसको बना लेते हैं। इसका एक पर्पज है 2, 3 स्टेट इसको बनाने का। सो यहाँ ए मूव कर रहा है, यहाँ ए मूव कर रहा है। आप देख सकते हैं कि जो सेकंड वाला पार्ट है, जैसे कि 1, 3 और 2, 3 में, ये जो 3 है वो कांस्टेंट है और ये वेरी कर रहा है 1, 2। तो मान सकते हैं कि ये एज के लिए है, और जो दूसरा वाला पार्ट है वो बीज के लिए है। सिमिलरली जो दो अदर स्टेट्स हैं, मतलब कि 1, 4 स्टेट एंड 2, 4 स्टेट, यहाँ पे 1 चेंज हो रहा है 2 पे, लेकिन 4 कांस्टेंट है। तो ऐसा मान सकते हैं कि ए के लिए हम ट्रांजिशन दिखा रहे हैं। वंस अगेन ये 1, 4 की बात कर रहा है और 2, 4 की बात कर रहा है। सो जो चेंज हो रहा है वो ये हो रहा है, दूसरा पार्ट कॉन्स्टेंट है। सो मान सकते हैं कि पहला वाला पार्ट एज की काउंटिंग कर रहा है ना। उसके बाद जो दूसरे ट्रांजिशन है वो हम कैसे दिखाएंगे, वो हम बी के ट्रांजिशन दिखा देते हैं। सो बी से यहाँ और अनदर बी से वापस यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं स्टेट नंबर 1, 3 और 1, 4 की, जिसमें 1 सेम है, इसका मतलब कि ए सेम है, जो चेंज हो रहा है वो बी चेंज हो रहा है। सो 3, 4, 3, 4 में चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे बी का ट्रांजिशन हो रहा है। सिमिलरली स्टेट 2, 3 और 2, 4 की अगर हम बात करें, सो पहला पार्ट कॉमन है, दूसरा पार्ट चेंज हो रहा है, तो ये हम यहाँ पे बी की काउंटिंग बता सकते हैं कि हो रहा है। नाउ इस केस में हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि वो वाला स्टेट जहां पे ए इवन है और बी ऑड है, या ए ऑड है और बी इवन है। अगर आप काउंटिंग के हिसाब से चलें तो ये मेरा पहला इनिशियल स्टेट हो गया। तो जब हम एक ए लेंगे तो 2, 3 पे पहुंच जाएंगे, और 2 ए लेंगे तो हम 1, 3 पे वापस आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि
कि 3 A लेंगे तो 2-3 पे जाएंगे, 4 A लेंगे तो 1-3 पे आएंगे। इसका मतलब है कि जो 2-3 स्टेट है वो हमें बता रहा है ऑड एज के बारे में। सिमिलरली जो 2-4 स्टेट है वहां पे भी A का ट्रांजिशन हो रहा है, 1 A से हम 2-4 पे गए, 2 A से वापस 1-4 पे आए, 1 A से हम 2-4 पे गए, 2 A से हम वापस 1-4 पे आए। तो इसका मतलब है कि ये भी बता रहा है ऑड एज के बारे में। अब आइए बात करते हैं 1-3 और 1-4 का कंपैरिजन करते हैं। तो 1-3 और 1-4 में क्या हुआ कि 1 B से हम 1-4 में गए और 2 B पे हम वापस 1-3 पे आ गए। 1 B से हम वापस, मतलब कि तीसरा B है हमारा, है 1-4 पे गए और 4th B से हम वापस 1-3 पे आ गए। तो इसका मतलब कि जो 1-4 स्टेट है दैट इज टॉकिंग अबाउट ऑड बीज। सिमिलरली अगर हम बात करें 1-3 स्टेट का, तो 1-3 स्टेट हमें बता रहा है कि अगर हमारे पास 0 B है तो 1-3 स्टेट पे, और अगर 1 B है तो 1-4, 2 B है तो 1-3, 3 B है तो 1-4। इसका मतलब है कि ये जो 1-3 स्टेट है वो बता रहा है इवन बीस के बारे में, और जो 1-3 स्टेट है वो इवन ए के बारे में भी बता रहा है। फाइन, अगर 0 A तो 1-3, 1 A तो 2-3, 2 A तो 1-3, 4 A टू सॉरी 3 A टू 2-3 और 4 A टू 1-3, 5 A टू 2-3 हो गया स्टेट, और 6 A आया तो 1-3 स्टेट अगेन हो गया। सो 1-3 स्टेट हमारे लिए काम का नहीं है। अब आइए बात करते हैं कहाँ पे इवन एज काउंट हो रहे हैं। तो 1-4 स्टेट में इवन ए काउंट हो रहे हैं, क्योंकि तो अगर हमने 1-3 से 1-4 में ट्रांजिशन किया है तो इस केस में 0 A है, और मान लीजिए कि इसके बाद एज आए तो 1 A से हम 2-4 गए और 2 A से वापस आए 1-4 पे, 3 A के लिए हम आगे गए और 4 A के लिए वापस आ गए 1-4 पे। इसका मतलब है कि ये इवन ए की बात कर रहा है। तो स्टेट 1-4 मेरे लिए पहला फाइनल स्टेट हुआ हमारे डिजायर्ड कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि हम चाहते हैं कि इवन ए हो और ऑड बी हो। तो हमने एक तो प्रोसेस कर लिया। दूसरा क्या हुआ कि मुझे ऑड ए और इवन बी की बात करनी है, ऑड ए और इवन बी की बात करनी है। तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ इवन बीज हो सकते हैं। तो ये जो स्टेट 2-3 है, इस स्टेट 2-3 में इवन बीज हैं। कैसे 2-3 में इवन बीज हैं, आप काउंट कीजिए। आप 1 A से वहां गए 2-3 में, उसके बाद अगर बी की काउंटिंग नहीं भी हुई तो एक्सेप्ट करेगा, तो 0 B यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद 1 B से ये 2-4 जाएगा और 2 B से वापस आएगा 2-3, इसका मतलब 2 B को एक्सेप्ट कर रहा है ये। फिर 3 से 2-4 जाएगा और 4 से 2-3 आएगा, इसका मतलब कि 4 B भी एक्सेप्ट हो रहा है। सो व्हाट डज दिस मीन दैट कि ये इवन नंबर ऑफ बीज को एक्सेप्ट कर रहा है। सो वी हैव इवन बी। सो 1-4 स्टेट इज द फाइनल स्टेट, साइमल्टेनियसली 2-3 स्टेट विल ऑल्सो बी द फाइनल स्टेट। सो व्हाट वी वॉन्टेड हैव बीन अचीव। अगर हम एक बार फिर से समराइज करें तो हमने इवन एज की बात की है और ऑड बीज की बात की है, या फिर हमने ऑड नंबर ऑफ एज की बात की है और इवन नंबर ऑफ बीस की बात की है। इस तरह से हम अपना ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो आई होप दिस प्रोसेस वॉज यूजफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।